हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज हमारे पास होंडा ड्रीम डिलक्स 110 BS6 FI वाली वेरिएंट है। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर किए हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसके फ्यूल पंप के अंदर जो फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है उसे किस तरह से रिप्लेसमेंट किया जाता है, क्योंकि और अदर गाड़ियों से बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस है। और आपको बता दें, चाहे आपके पास होंडा SP125 हो, होंडा शाइन हो, होंडा ड्रीम डिलक्स हो, होंडा लीवो हो, सभी का एक ही तरह से कनेक्शन होता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस बताते हैं इसके फ्यूल फिल्टर के चेंजिंग करने का। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं किस तरह से इसके फ्यूल फिल्टर को चेंज करना है, कहाँ पर इसका फ्यूल फिल्टर लगा है। तो मैकेनिक दोस्तों, इसके फ्यूल फिल्टर को रिप्लेसमेंट करने के लिए इसका पंप ओपन करना पड़ेगा। तो पंप ओपन करने के लिए सबसे पहले इसके लेफ्ट साइड के पैनल को ओपन करना पड़ेगा। तो पैनल ओपन करते हैं और आपको बता देते हैं कि फ्यूल फिल्टर जो रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो कंपनी अकॉर्डिंग जो कहा जाता है 8,000 से 12,000 जब आपकी गाड़ी रन हो जाए तो उस कंडीशन में आपको फ्यूल फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, वरना उस कंडीशन में आपका फ्यूल जो है इंजेक्टर तक सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा और आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चलिए इसके पैनल को ओपन करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो फ्यूल फिल्टर को रिप्लेस करने के लिए इसका जो यहाँ पे फ्यूल पंप लगाया गया है, फ्यूल पंप को ओपन करना पड़ेगा। और आप अगर इन सारे मॉडल में से एक भी मॉडल का अगर फ्यूल पंप चेंज करना सीख जाइएगा तो आपको ऑल मॉडल में सभी में कर सकते हैं, जैसे SP वगैरह आपको पहले नाम बता चुके हैं। और एक छोटी सी गलती की वजह से, यानी फ्यूल पंप चेंज करने की वजह से फ्यूल पंप इसका कंप्लीट टूट गया था, आपको पिछले वीडियो में बताएं। तो किन किन प्रॉब्लम को आपको ध्यान में रखना है, कहां कहां पे कौन सा लॉक लगा हुआ है, सारी छोटी सी बड़ी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए, दिखाते हैं आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दो पाइपलाइन है, इसको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसका एक जो है इधर से फ्यूल आता है, दूसरे से इसका ऊपर जाता है रिटर्न फ्यूल पंप। ये एक जो लगा हुआ है ये हमारा इंजेक्टर तक सप्लाई करता है। सारे चीज़ों का ओपन करने का परफेक्ट जो तरीका है कवर करेंगे। और आपको पहले बता चुके हैं कि इसका एक मैकेनिक ने गलती करने की वजह से इसका फ्यूल पंप कंप्लीट तोड़ दिया था, जिसका प्राइस करीबन जो है 6 से 7 हज़ार रुपये पे करना पड़ा। उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिए हैं, वो वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 10 mm का यहाँ पे एक बोल्ट है, इसको ओपन करना पड़ता है, फ्यूल पंप डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके इस तरह से दो लॉक होते हैं पाइप में, इसका फ्यूल टैंक किस तरह से ओपन करना वो वीडियो नहीं देखें, सारे टॉपिक के ऊपर अलग अलग से वीडियो बना रखे हैं। तो सबसे पहले इसका जो फ्यूल है इसको हम ड्रेन कर लेते हैं क्योंकि कंप्लीट फ्यूल निकलना शुरू हो जाता है एक ही साथ। चलिए इसका फ्यूल हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे किस तरह से इसका पंप ओपन करना है, इंजेक्टर वाले लाइन को किस तरह से ओपन करना है, एकदम कंप्लीट क्लियर करवा देंगे। आज के बाद से कभी भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका ऐसा फ्यूल पंप यहाँ पे कंपनी अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करके ऐड किया गया है जो फ्यूल टैंक से बाहर है। सभी का जो फ्यूल पंप इसके फ्यूल टैंक के अंदर होता है बट इसका फ्यूल टैंक के बाहर है। तो चलिए इसके पाइप लाइन को निकालते हैं आसानी से। तो मैकेनिक दोस्तों, देख पा रहे हैं इसका फ्यूल लाइन ओपन कर चुके हैं। ये जो हमारा इनपुट पाइप है जिससे हमारा फ्यूल निकल रहा है, अब इसके जो आउटपुट यानी जो रिटर्न पाइप है इसको भी ओपन करेंगे। और ध्यान रखें, दोनों पाइपलाइन में इसका पेट्रोल आता है, ये नहीं कि सिर्फ इससे फ्यूल आ रहा है तो इससे आएगा और इससे नहीं आएगा, ये रिटर्न पाइप है इससे भी फ्यूल आएगा। तो जब भी आप ओपन करें इसमें भी ध्यान रखना है। तो चलिए इसको ओपन करके इसका फ्यूल निकाल लेते हैं। काफ़ी हार्ड पाइप है और कंपनी अकॉर्डिंग इसका स्पेशल टूल आता है, अगर आपके पास स्पेशल टूल है तो आप उसे उपयोग करें, अनदर आपके पास अगर इस तरह से प्लायर वगैरह की मदद से आप इसे ओपन कर सकते हैं नॉर्मल प्लायर की मदद से। तो चलिए एक और पाइपलाइन है उसे भी ओपन करके सारा फ्यूल निकालते हैं, फिर कंप्लीट पंप को बाहर लेते हैं। और एक छोटी सी गलती आपको बताएंगे जो कर देते हैं और फ्यूल पंप टूट जाता है, जो आपको नहीं करना आपको आगे बताते हैं। तो दोनों पाइपलाइन को ओपन कर चुके हैं, अब यहाँ पे जो एक 10 mm का बोल्ट है इससे रिमूव करना पड़ेगा। और फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, फ्यूल फिल्टर का कितना प्राइस है, कहाँ से मैंने परचेज किया, सारा चीज़ मैं बताऊँगा। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और इसके जो इस वाले कवर को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप से इसका जो लॉक है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसके अंदर सेंसर्स के भी वायर हैं तो इसको साइड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसके जो मेन हमारा काम करना है पंप का करना है, तो पंप को हम बाहर निकालते हैं। एक लॉक लगा होता है जो सिर्फ बैक प्रेस करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। और कोशिश करेंगे कि वीडियो को बिना कट करे दिखाएँ ताकि हमारे मैकेनिक भाइयों को आसानी से समझ में आ सके।
तो चलिए ये सारा चीज़ ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए लॉक को आसानी से निकाल दिए। अब इस वाले चीज़ को यहाँ से हम साइड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम बाहर लेंगे। ये देखिए हमारा पंप बाहर आ गया। अब इसका जो 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए यहाँ पे वायर दिया हुआ, वो कनेक्शन निकालेंगे तभी तो हमारा बाहर आएगा। तो यहाँ पे एक वायरिंग का कनेक्शन होता है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों इस वाले वायर की बात कर रहा था, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है जब भी पे हमारा फ्यूल पंप चलता है। अब देखिए तीन इसके अंदर से कनेक्शन मैंने निकाला है, एक दो और एक इसका वायर, तीन कनेक्शन। अब जो यहाँ पे चौथा कनेक्शन होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है, और यहीं पे हमारे मैकेनिक भाई गलती कर देते हैं जिससे हमारा जो है 7 से 8 हज़ार रुपये का फ्यूल पंप टूट जाता है। वो गलती यह होता है, ये जो हमारा सप्लाई जाता है डायरेक्ट इंजेक्टर से हेड में फ्यूल का छिड़काव होता है। अभी इसके अंदर फ्यूल है, अभी भी अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्यूल है अभी। तो इस वाले लाइन को कैसे ओपन करना है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि यहीं पे टूटता है फ्यूल पंप और कंप्लीट पंप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। देखिए कैसे इसको स्टेप यूज करते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले इस तरह से आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद लेना पड़ेगा इस तरह से, और इसके बीच में इस तरह से पुश करेंगे। ये देखिए आप समझ पा रहे होंगे, इसके बीच में यहाँ पर हॉल बना हुआ, इसके अंदर पुश करेंगे। देखिए कितना ईजीली ये बाहर निकल रहा है। ये देखिए ये बाहर लॉक को आसानी से निकाल लेना है, खाली यहाँ लगा के इसको बाहर पुश कीजिएगा। देखिए लॉक हमारा बाहर निकल गया। ये देखिए यहाँ पे लॉक है और एक इसके इस साइड पे लॉक है। यहीं पे गलती कर देते हैं, मैंने देखा है 2-3 फ्यूल पंप टूटते हुए देखा है। अब ये लॉक हमारा बाहर निकल जाएगा, देख पा रहे हैं ये बाहर निकल गया। अब आपको ज्यादा सटीक जानकारी देने के लिए ये जो हमारा फ्यूल लाइन वाला है, देखिए ओपन कर दिया मैंने आसानी से। अब मेन हमारा जो काम करेगा यह मोटर काम करेगा, और इसके अंदर लगा हुआ है फ्यूल फिल्टर जिसे रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। इसके अंदर जो फ्यूल है उसे हम ड्रेन कर लेते हैं, और देख पा रहे कितनी खास इसे मैन्युफैक्चर की गई है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक बोल्ट यहाँ लगा होता है, बाकी एक लॉक कंप्लीट ये मोटर इसी से वर्क करता है। तो मैकेनिक दोस्तों इसके जो पंप के अंदर फ्यूल भरा हुआ है इसे हम इसके कंटेनर के अंदर डाल देते हैं ताकि हमारा फ्यूल वेस्ट ना हो। सारा फ्यूल इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि फिल्टर इसका रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। आप इसके ऊपर ये मत समझिएगा कि ये हमारा कंप्लीट पंप है, ये ऊपर से एक केस लगा हुआ है, केस को हम रिमूव करेंगे जब हम अपने पंप तक पहुंच पाएंगे। पतले पतले इससे कनेक्शन का नीडल बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो इसका केस ओपन करने के लिए ये जो आपको रबर वाला पार्ट्स दिख रहा होगा इसे ओपन करना पड़ेगा। आप आसानी से समझ रहे होंगे, ये जो रबर वाला केस है इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये केस ओपन कर दिए। एक और लॉक है यहाँ पे इस जगह पे, तो इस वाले लॉक को यहाँ से रिमूव करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोग को समझ में आ रहा हो। ये देखिए ओपन हो गया केस, ऊपर से प्रोटेक्टर केस लगा होता है। अब ये देखिए ये केस इसका बाहर निकल गया, मेन जो हमारा फ्यूल पंप है ये वाला फ्यूल पंप। अब इसके अंदर फिल्टर कहाँ लगा हुआ और कैसे रिप्लेसमेंट करना उसके बारे में भी आपको कवर करके बताते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और आपको बताते चलते हैं, ये जो हमारा तीन लॉक है, एक दो और इसके इस साइड, तीन लॉक जो है इसी के अंदर हमारा फ्यूल फिल्टर लगा होता है। तो इस वाले एरिया में हमारा मोटर रहता है, और आपको बताते चलें इसका मोटर अलग से रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो फ्यूल फिल्टर रिप्लेस करने के लिए इसके तीनों लॉक को रिमूव करेंगे, हल्के हल्के प्रेस करना है ताकि इसका जो लॉक टूटे ना। अगर लॉक टूटता है जब आपका फ्यूल का लीकेज का चांसेस बढ़ जाएगा। तो सभी को हल्का हल्का हम ऊपर प्रेस करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिकली खुलता जाएगा। तो इसका लॉक काफ़ी खुल गया, चलिए इसको हम बाहर लेते हैं। सारे लॉक को रिमूव कर चुके हैं, अब इसे इस तरह से बैक प्रेस करेंगे तो देख पा रहे हैं निकल चुका है, और देखें डस्ट पार्टिकल इसके अंदर कितना है, इसी रीज़न से इसे हम जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं इसके अंदर डस्ट, देखें तो इसीलिए जो कंपनी अकॉर्डिंग कहा जाता है इसे रिप्लेसमेंट करने के लिए यही रीज़न होता है मेन। अब आपको हम इसका नया फिल्टर दिखाते हैं और उसका प्राइस कितना है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। फिटिंग के दौरान 2-3 चीज़ों का एकदम काफ़ी खास ध्यान रखें। यहाँ पर भी एक ओरिंग होता है,
और इसके इस वाले पोर्शन में भी एक ओरिंग होता है जिससे आपको हरगिज ध्यान में रखना है वरना फिर फ्यूल का लीकेज होना शुरू हो जाएगा। चलिए नया फिल्टर दिखाते हैं और उसका प्राइस कितना है वो बताते हैं। तो ये इसका नया वाला फ़िल्टर है और ये इसका ओल्ड वाला फ़िल्टर है और इसका प्राइस 295 रुपये। आप अगर सर्विस सेंटर से ख़रीदते हैं, अभी यह चीज़ जो आफ्टर मार्केट नहीं मिल रहा है, जहाँ भी मिलेगा सर्विस सेंटर से ही परचेज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वैसा ही रहेगा जिस तरह से ओपन करने का प्रोसेस रहा है। चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। सिर्फ देखिए सारे लॉक को बैठाएं, एक लॉक रखें सिर्फ दिखाने के लिए, लगा देते हैं और इस तरह से प्रेस करते हैं। देखिए प्रेस किया, कट से आवाज़ किया और बैठ गया। अब इसके ऊपर का जो केस है उसको भी लगाते हैं और गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों सारे चीज़ों को असेंबल कर दिया, अब इसके केस में इस तरह से कवर करेंगे। ये इसका परफेक्ट टाइमिंग होता है और इसको इस तरह से मूव करके लगा देना होता है। एक लॉक लगाना है, बाकी यहाँ पे रबर डालना है। तो चलिए रबर डालते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं। इसे असेंबल कर दिया, चलिए इसको यहाँ पे पुश कर देते हैं। तो सबसे पहले वायरिंग लाइन का कनेक्शन, और एक इसका यहाँ पे लॉक होता है जो थोड़ा सा टफ होता है लगाना। उससे पहले इसके जो फ्यूल इंजेक्टर वाला लाइन होता है, यहाँ पे आपको दिखाते चलें, ये वाला लाइन जिसे ओपन करने का तरीका आपको बताएं, इसे लगा देंगे। लग गया। अब इसका जो लॉक है, इसके लॉक को यहाँ पे अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, चलिए लगाते हैं। तो इसके जो 10 mm का एक बोल्ट खोले थे, इसे टाइट कर लेते हैं परफेक्टली। ये फुल्ली टाइट हो गया। पाइपलाइन कंप्लीट डालते हैं क्योंकि सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो फ्यूल को डालते हैं और गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों सारे चीज़ों को कर चुके हैं असेंबल। अब चलिए बाइक को फाइनल स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इसके जो इग्निशन की को 3 से 4 मरतबा ऑन ऑफ करना पड़ता है, उसके बाद ताकि इसका जो हेड में फ्यूल का प्रॉपर यानी पाइपलाइन में कंप्लीट छिड़काव हो जाए इसके फ्यूल का। तो चलिए फाइनल गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, एकदम इजीली स्टार्ट हो। तो पहले इग्निशन को 3 या 5 बार ऑन ऑफ कर लेते हैं हम। चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे हो हमारी गाड़ी एकदम इजीली स्टार्ट होगी, पंप भी प्रॉपर वर्क कर रहा है और इसका जो फ्यूल फिल्टर का कंप्लीट काम हो चुका है, लीकेज भी एक जरा सा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके रिलेटेड कोई सी भी वीडियो चाहिए BS6 गाड़ियों का, तो वीडियो के नीचे फटाक से कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।